हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मल्टीपर्पज हेयर ऑयल। आप देख रहे हैं इसका कितना अच्छा कलर है, ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर कैसे हुआ? ये हुआ है हर्ब से। तो आज मैं एक ऐसा ऑयल बनाऊंगी जो बालों की हर समस्या का बहुत आसानी से समाधान कर सकता है। ये रेनी सीजन के लिए भी अच्छा है, विंटर के लिए भी अच्छा है, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ये बनाने में मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें मैंने यूज की हैं वो इतनी हेल्पफुल हैं कि चाहे डेंड्रफ है, स्कैल्प में खुश्की का प्रॉब्लम है, या कई लोग कहते हैं कि सिर में छोटे छोटे दाने हो गए हैं वो प्रॉब्लम है, या बाल झड़ते हैं, बाल पतले हो गए हैं, कहीं कहीं से पैचेस दिखने लग गए हैं, तो हर एक चीज के लिए ये बहुत ही अच्छा है। सिर्फ करना आपको ये है कि हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना है। अच्छे से इसको, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, पार्टीशन करके लगाना है, और फिर फिंगर टिप से कम 10 मिनट के लिए इसकी मसाज करनी है। 10 मिनट के बाद अगर पॉसिबल है तो आप एक गर्म पानी में टॉवल भिगो के और उसको अच्छे से निचोड़ के सिर पर रख ले ताकि स्टीमिंग भी हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि स्टीम देने से ये ऑयल जल्दी से स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होगा, रूट्स तक पहुंचेगा और स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करते हुए, रूट्स को मजबूत करते हुए बालों को शाइन देगा। लगाना हफ्ते में 2 बार है, मसाज करना है, इसको कम से कम 2 घंटा सिर में रखना है। आप ओवरनाइट रख सकते हैं, आप चाहे तो ज्यादा लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं, पर कम से कम इसको 2 घंटा रखना है ये ऑयल। अब मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आपने ऑयल को गर्म कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हमने सुना है ऑयल ऐसे गर्म करने से बाल सफेद होते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट मैंने फ्लेम को बहुत ही लो रखा है। ऑयल में कभी भी किसी भी टाइम धुआं नहीं निकला है। ऑयल जब खराब होता है तब उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से और जब तक ये बनता है तब तक फ्लेम बिल्कुल लो रहनी चाहिए। और अगर आप लो फ्लेम पर इसको बनाते हैं, सारे जो मैं इसमें हर्ब्स डाल रही हूँ, जो लीव्स डाल रही हूँ, उसका एसेंस उस ऑयल में आ जाता है, ऑयल का ये कलर हो जाता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल बनता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। पहले ये ऑयल बनाने के लिए हमने लिया है 4 अलग अलग प्लांट्स के पत्ते, और ये चारों ही प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं नीम की बात करूं तो इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो स्कैल्प पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देंगी, डैंड्रफ नहीं होगा, कोई कुछ लोग कहते हैं कि सिर में दाने दाने हो गए हैं वो नहीं होगा, मतलब स्कैल्प की सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। साथ में हिबिस्कस लिया है, ये एक बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है, स्कैल्प को सूद करता है, मॉइस्ट रखता है और स्कैल्प में ईचिंग नहीं होती है। इसमें कैटनिन काफ़ी मात्रा में होता है जो बालों को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है और फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। साथ में मैंने लिया है सदाबहार के पत्ते, ये अर्ली ग्रेइंग को रोकते हैं। ये चारों की ही प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अर्ली ग्रेइंग को रोकेंगी, जो इनसे ऑयल बनेगा उससे ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। इसके साथ हमने करी लीव्स लिए हैं जो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें कैरेटिन होता है और इसमें एमिनो एसिड होते हैं जो हेयर लॉस नहीं होने देंगे, बालों को स्ट्रेंथन करेंगे, फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जड़ से मजबूत करेंगे। जो डोरमेंट फॉलिकल्स होते हैं, मतलब जो आगे काम नहीं कर रहे, उन फॉलिकल्स को रिमूव करके उनको रीग्रो करेंगे, तो ये बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे। हमने इन सब के 1-1 कप पत्ते लिए हैं और उनको बहुत अच्छे से धो लिया है। पहले धोने के बाद हम इसको बारीक बारीक काटेंगे और फिर ये अगली ऑयल बनाएंगे। तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही थी कि ये हमारे हेयर के लिए, हमारे बालों के लिए क्यों अच्छे हैं। बालों में क्या क्या समस्याएं होती हैं? डैंड्रफ होता है, बाल रूखे हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, दोमुहे हो जाते हैं, स्कैल्प में ईचिंग होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होती है, तो इन सभी चीज़ों से ये ऑयल जो है वो बचाएगा। साथ में पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज से बचाएगा, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो बालों को नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने और रीगेन करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर किसी के बाल ज़्यादा झड़ने लग गए हैं
तो इसकी कंटिन्यूस मालिश करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और जो बाल जहाँ से गिरे हैं वहाँ पर नए बाल आ जाएंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमने इस तरीके से सारे पत्तों को, 4 कप पत्ते हैं ये, इनको ऐसे बारीक बारीक हमने काट लिया है। ये 4 कप पत्ते से मैं सिर्फ 100 मिलीग्राम ऑयल बनाऊंगी। तो एक पैन में 100 ग्राम हम नारियल का तेल लेंगे। बेस ऑयल में नारियल का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा हो जाता है। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। अब इसको, ये सारे पत्ते इसमें डालेंगे और चम्मच से बार बार इनको नीचे दबाएंगे, क्योंकि ऑयल कम है, पत्ते ज़्यादा हैं। अगर हम उसको नहीं हिलाएंगे तो ऊपर के पत्ते ऐसे ही रह जाएंगे। बार बार हिलाते रहेंगे थ्रू आउट, शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक हमारा ऑयल बनता है, गैस स्लो रहेगी और इस तरीके से ये पत्ते अपना कलर छोड़ देंगे। हमारा ऑयल ग्रीन कलर का बनेगा। पत्तों को ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो ऑयल का कलर डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो गया है तो उसको ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद एक बारीक कपड़े से इसको छान लेंगे। बारीक कपड़े से इसलिए छानेंगे ताकि कोई भी पत्तों का जो रेजिडुअल है, जो छिलका बचेगा, वो इसके अंदर ना रहे और प्योर ऑयल हमारा इकट्ठा हो जाए। इस तरीके से ये ऑयल हमने ले लिया और बस अब इसको एक कंटेनर में डाल के स्टोर करके रख लेंगे। जब चाहिए तब लगा लेंगे। हफ्ते में 2 बार इसकी मालिश बहुत फ़ायदा करती है। अगर इसको रेगुलरली यूज़ किया जाए तो जितनी मैंने स्किन, बालों की प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो एक एक करके सब दूर हो सकती हैं, दूर हो जाती हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, हर्बल ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, केमिकल फ्री है, कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। बस एक बार बनाना है और उसको रेगुलर यूज़ करना है। उतना तो आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बाल सुंदर हों, घने हों, लंबे हों, शाइनी हों, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डैंड्रफ ना हो, तो इसे ज़रूर बनाएं और लगाएं। ये ऑयल बनके तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत इफेक्टिव है, बनाने में तो मुश्किल नहीं लगी। हाँ, इसको कोशिश करें कि 100 ग्राम्स में ही बनाएं। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना के रखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये घर में बना हुआ है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो इसको स्पॉयल होने से बचाएगा, खराब होने से बचाएगा, क्योंकि हमने इसमें लीव्स डाले हैं, उनका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। तो हम इसको ज्यादा लंबे समय तक ना रखें तो अच्छा है। 2 से 3 महीने तक आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखने से इसके अंदर हल्की सी स्मेल हो सकती है। तो आप कम क्वांटिटी में बनाएं, जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से। अगर पूरे परिवार ने लगाना है ज्यादा बनाएं, एक जने लगाना है तो कम बनाएं। आप इसको बनाइए, लगा के देखिए, ये आपको ये 100% गारंटी है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आप अपने बालों को सुंदर करिए, लहराते हुए घने काले लंबे बाल बनाइए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।